हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा आपको बॉडी मास इंडेक्स है क्या। बहुत से लोग अपने वेट को लेकर कंसियस रहते हैं कि मेरा वेट जो है ओवर वेट है या नहीं, मैं अंडर वेट तो नहीं हूँ, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक साइंटिफिक फॉर्मूला है जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। तो क्या बोलता है ये फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कि अपन BMI बोलते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन को अपनी हाइट और वेट को लेकर, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 18.5 से लेकर 24.9 है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो है वो वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर। मींस आपको अपना वेट जो है उसको डिवाइड करना है आपकी हाइट कितनी है, जो कि आपको मीटर में कन्वर्ट करनी है। जैसे कि सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, किसी पर्सन का वेट 72 kg है और अपन को डिवाइड करनी है उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो अपन दो बार इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी पर्सन की हाइट 72 kg है और उसका वेट जो है 72 kg है और उसकी हाइट जो है 5'8" है। तो उसको अपन सिंपल गूगल के पे भी सर्च कर सकते हैं कि 5'8" इन मीटर, तो अपन को आ जाएगा यहाँ पे कि अगर 5'8" को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.72 जो है इसका कैलकुलेट आएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि उस पर्सन की वेट जो है वो 72 kg है और उसकी हाइट जो है, जो कि अपन ने 5'8" को कन्वर्ट किया है मीटर में, 1.72 × 1.72, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो रेंज जो है वो 24.41 आई है। इसका मतलब इस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स 24.41 है, ठीक है। तो अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ये जो रेंज है वो नॉर्मल है या ओवरवेट है या अंडरवेट है, तो उसके लिए एक पूरी इंडेक्स बनी हुई है। वो क्या बोलती है, देखिए ये BMI इज 24 और मोर दे, अगर 25 से भी ज़्यादा आ रहा है आपका BMI, इसका मतलब आप ओवरवेट हो, और 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपका वेट जो है नॉर्मल है। आगे और फर्दर डिस्क्रिप्शन में अपन देखें व्हाट इज द रेंज ऑफ BMI। ये देखिए यहाँ पे टेबल में आप देख रहे हैं, BMI अगर 18.5 से बिलो है, इसका मतलब आपका जो वेट है वो आप बिलो नॉर्मल वेट में आते हो, आपका वेट जो है नॉर्मल नहीं है। अगर 18.5 से लेकर 18.5 to 25 इज योर नॉर्मल वेट, देन इफ आपका वेट जो है 25 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप ओवरवेट में आ रहे हो, देन द फर्स्ट स्टेज इज ऑफ ओबेसिटी। आपका वेट 30 और 35 के बीच में आ रहा है, BMI आपकी 30 और 35 के बीच में आ रही है, इसका मतलब आप ओबेसिटी की फर्स्ट स्टेज में आ चुके हो, मीन्स आप मोटापे की और ज़्यादा बढ़ रहे हो। देन अगर आपका 35 और 40 के बीच में, आप ओबेसिटी सेकेंड स्टेज में हो, और अगर आपका वेट 40 से भी BMI ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप मोटापे की थर्ड स्टेज में हो। यू शुड कंट्रोल योर वेट वेरी केयरफुली। ओके, तो ये कैलकुलेटर करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप अपने भी कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल से अपनी वेट लेना है, उसको डिवाइड करना है अपनी हाइट से मीटर में बदल के, आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका वेट नॉर्मल है, ओवरवेट है या आप बिलो वेट हो। ओके, थैंक यू सो मच।